आदर्श विद्यालय स्कूल का 102वां मनाया स्थापना दिवस नगरवासियों ने संस्थापक पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक को किया याद। खबर पोहरी से आ रही है। पोहरी में आदर्श विद्यालय स्कूल की स्थापना 1921 ईस्वी में आज ही के दिन 12 जनवरी को हुई थी। पंडित जी ने शिक्षा का अलग जगाया था। 102वां स्थापना दिवस पर राज्य मंत्री राजखेड़ा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आदर्श विद्यालय से जुड़े लोगों ने पंडित जी स्थली पर पुष्पांजलि अर्पित कर पंडित गोपाल कृष्ण पौराणिक जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राज्य मंत्री राजखेड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू शिथिले, आशुतोष जैमिनी, बालिस्टर श्याम ध्रुवे, विजेंद्र त्रिवेदी, सीएमओ पोहरी नगर परिषद के समस्त पार्षदगण उपस्थित रहे। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज आपने पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी की स्थापना दिवस मनाई थी, आज कौन सा स्थापना दिवस था और क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी ने जो पोहरी में शिक्षाविद थे, पोहरी में जो आदर्श विद्यालय की स्थापना सन 1921 में आदर्श विद्यालय के रूप में भटनावर में की, इसके बाद पुनः उसको स्थापित पोहरी में किया। ऐसे श्रद्धेय पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी के सपनों को, जो उन्होंने शिक्षा के लिए एक नई उड़ान भरी थी उस जमाने में जब यहाँ कहीं क्षेत्र में हायर सेकेंडरी विद्यालय नहीं हुआ करते थे, उस समय उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। उन्होंने खादी ग्राम उद्योग निकाला, कृषि विश्वविद्यालय बनाने की भी उनकी पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी की मंशा थी, लेकिन ईश्वर को और कुछ ही मंजूर था। वो असमय काल के गाल में समा गए, लेकिन उनके पढ़ाए हुए शिष्यों ने उसको आदर्श विद्यालय को आज तक अनवरत चला रहा है। उसकी शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और निश्चित तौर पर पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी को शिक्षाविद और दूरदर्शिता दृष्टा कहा जाएगा, क्योंकि उनका संकल्प था कि पौरी को मैं पुनः बनाऊंगा, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनके शिष्यों के द्वारा उसको निश्चित तौर पर पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। इसी बात को कह के आज हमने सभी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं स्कूल के स्टाफ, छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।